नाज जिले का नाम शहर हैदराबाद और पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान शख्स सरफराज खान 31 अगस्त 2023 से लापता बताया जा रहा है, गुमशुदा बताया जा रहा है, जिसके तहत इनके वालदा जो 70 साल के हैं वो काफ़ी परेशान हैं अपने गुमशुदा बेटे को लेकर, क्योंकि ये घर का छोटा बेटा बताया जा रहा है, जिसके तहत वालदा काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, जिसके तहत ये 31 अगस्त 2023 के दिन सुबह 8:30 बजे से ये शख्स लापता बताया जा रहा है। बहादुरपुरा पुलिस ने 5 सितंबर 2023 के दिन इनके वालदा की कंप्लेंट एक्सेप्ट करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है और FIR भी दर्ज किया है, जहां पर FIR में वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये शख्स के बदन पर खाकी कलर का शर्ट था और काले कलर का पैंट था और सुबह 8:30 बजे से ये शख्स लापता बताया जा रहा है। FIR की कॉपी के तहत हम ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इनके अहले ख़ानदान का ये कहना है कि इनसे रब्त हासिल करने के लिए इनके बड़े भाई कई दफ़ा फ़ोन करे मगर फ़ोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है, जिसके तहत अहले ख़ानदान कई ये गुजारिश है कि तमाम लोगों से, जो कोई भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि ये शख्स कहीं भी दिखाई दे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इनके अहले ख़ानदान को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।